अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में मारपीट के मामले में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की कारगुजारी के चलते युवक को न्याय के लिए दर दर बरतना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कलंचड़ी देवी मेले के दौरान हुई मारपीट में युवक राजकुमार निवासी द्रोगण को नाक और शरीर में गहरी चोटें पहुंची थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के दौरान मामूली चोटें रिपोर्ट में लिखे जाने पर मेडिकल कॉलेज की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, क्योंकि बाद में जब युवक को तबीयत बिगड़ने पर IGMC शिमला और सोलन अस्पताल में मेडिकल करवाने पर नाक पर फ्रैक्चर निकला है। हमीरपुर में मारपीट के मामले में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की कारगुजारी के चलते युवक को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कलंचड़ी देवी मेले के दौरान हुई मारपीट में युवक राजकुमार निवासी द्रोगण को नाक और शरीर में गहरी चोटें पहुंची थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के दौरान मामूली चोटें रिपोर्ट में लिखे जाने पर मेडिकल कॉलेज की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, क्योंकि बाद में जब युवक की तबीयत बिगड़ने पर IGMC शिमला और सोलन अस्पताल में मेडिकल करवाने पर नाक पर फ्रैक्चर निकला है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान युवक राजकुमार सुपुत्र धर्मचंद निवासी द्रोगण ने बताया कि मारपीट के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की रिपोर्ट नॉर्मल बनाए जाने पर पुलिस आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने बताया, वही राजकुमार के भाई ने बताया कि हमीरपुर पुलिस के द्वारा आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नॉर्मल रिपोर्ट दिए जाने पर सभी हैरान है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इस तरह गलत मेडिकल बनाए जाने की शिकायत CMO हमीरपुर से की है, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। उन्होंने मांग की है कि मारपीट करने वाले को सजा मिलनी चाहिए और पुलिस इस मामले में सही ढंग से कार्रवाई करे। इसको 25/6/19 को इसके साथ मारपीट हुई और उसके बाद ये रात को घर पहुंचा, 12-1 बजे के करीब घर पहुंचा है, 1-1.5 बजे के करीब, एग्जैक्टली टाइम हमें पता नहीं, फिर उसके बाद अपने कमरे में आया, ऐसा हो गया। जब हम सुबह उठे तो इसको लगी हुई थी, किसी ने घर में कोई ऐसी बात नहीं की, फिर हमने आजू बाजू वालों से पूछा भी क्या बात हुई, फिर पड़ोसियों ने बताया भी ऐसी बात हुई है, भी इसको मारा हुआ है और कोई मेले से आने के बाद कुछ 7-8 बजे के करीब की बात है, उस टाइम इसको कोई मारा मुरा है और खून से लथपथ था नहीं है, और ये उसके बाद बाइक स्टार्ट करके कहीं चला गया है, कहीं पे चंदी प्रेमचंद के घर के पास ये लड़ाई हुई और कहीं पे इसको लगी थी और एक खून से लथपथ था। जब ये थोड़ा होश में आया, कोई 6-7 बजे की बात थी, फिर हम शाम के टाइम 9-10 बजे के करीब अपना पुलिस चौकी चौंकने भी गए, फिर वहाँ पर जाके हमने FIR दर्ज करवाई कि फिर भी बोलने वाली कंडीशन नहीं थी। हमने सोचा भी अपना रात को ही लगी होगी इसको, हमने पैसे अपनी इसकी FIR दर्ज करवा दी, फिर उसके बाद इसकी MLC के लिए वहाँ से अपना पुलिस वाला साथ में गया चौकी से, तो उन्होंने लिखा भी नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं है, MLC उन्होंने सिंपल बनाई। फिर दोबारा जब ये बोले भी मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा है, मेरे से सांस नहीं ली जा रही है और मेरे को चक्कर आ रहे हैं, फिर हमने फिर दोबारा गए, हमने उसके बाद अपना हेड एंड नेक वालों से प्राइवेट में चेक करवाया था, उन्होंने बोला इसका नेजल बोन फ्रैक्चर है, जॉ मेटिकल फ्रैक्चर है और इसका जो ये ऑपरेशन होगा, यही बात हमने CMO को बताई और जो डेंटल वाला डॉक्टर था उसको भी बोला। अब उन्होंने फिर भी रिपोर्ट देने के बावजूद भी उन्होंने जैसे रिपोर्ट होती है अपना आ देनी थी रिपोर्ट उन्होंने, तो वो रिपोर्ट उन्होंने 3 दिन के बाद दी, उसके बाद वो उसमें पता नहीं उन्होंने क्या किया, उसमें भी उन्होंने सिंपल इंजरी बता दी, फिर बात कहीं भी उन्होंने ख़त्म कर दी। और पुलिस वाले भी बोल रहे थे भी जब तक ये अपना डॉक्टर नहीं कुछ लिख के देते तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। हमने CMO को भी इसके लिए रिटर्न में एप्लीकेशन दी, फिर जब इसकी ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गई, हम इसको अपना चेक करवाने के लिए IGMC लेके गए, वहाँ पर डेंटल इंदिरा गांधी डेंटल मेडिकल कॉलेज में चेक करवाया, उन्होंने बोला इसका जॉ मेटिकल फ्रैक्चर है और जो इसका भी नाक में सांस की प्रॉब्लम है वो ENT वालों से चेक करवा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे रस है, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन इसको सोलन ले गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, रीजनल हॉस्पिटल में, फिर वहाँ पर चेक करवाया और इसका CT स्कैन करवाया, CT स्कैन में इसका नेजल बोन फ्रैक्चर आया और इसका नाक का ऑपरेशन होना है, फिर यही रिपोर्टें आकर फिर दोबारा हमने पुलिस वालों को दी गई, फाइनल मेडिकल बोर्ड में बैठाया जाए। जब हम 7 तारीख को सोलन में थे तो 7 तारीख को इन्होंने फाइनल मेडिकल ओपिनियन जो इन्होंने MLC काटी थी अपना टोनी देवी वालों ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने, उसके पीछे पहले इन्होंने फाइनल मेडिकल ओपिनियन दे दिया था, बल्कि फाइनल मेडिकल ओपिनियन ENT को चेक किए बगैर नहीं दे सकते हैं, और इसमें बड़ी मिली भक्ति की हुई है, जो दूसरी पार्टी है वो पैसे के तौर पर हर चीज़ को तरोड़ मरोड़ करके केस को निपटाना चाहती है, और अभी भी वो पार्टी खुली घूम रही है, ना तो
पुलिस भी ढंग से उसको ना तो ट्रीट कर रही है, ना तो प्रॉपर कार्रवाई की, ना तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट की है। इसके बाद हमने सीएम को भी एक लेटर दिया, उनके वहाँ से भी एक जवाब आया, एक डीएसपी को भी है, फिर प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो रही है जो होनी चाहिए। एक बिजनेस डिपार्टमेंट में हमने एडीजी अनुराग गर्ग को दी है, फिर भी उसके बाद कोई इन्होंने कोई एक्शन नहीं दिया जा रहा है। और जो परेशान है वो ऑलरेडी परेशान हो रहा है, इसके फादर आर्मी में है, ब्रदर भी आर्मी में है, और पीछे इसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। हम तो चलो इसलिए साथ चले हैं ताकि इसको न्याय मिले। जो इसके साथ हुआ किसी आम आदमी के साथ नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो वो आदमी वहीं का वहीं पर ही लिपट के रह जाएगा। इसको न्याय मिले, और जो इसकी हड्डियाँ फ्रैक्चर है उसके ऊपर इसको धारा लगी, और दूसरा जो लड़का है जिसने इसको मारपीट की है वो अरेस्ट होना चाहिए, और जिस लड़के ने फ़ोन करके इसको बुलाया हुआ है वो भी अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो भी दोषी है। क्योंकि ना तो वो सामने आ रहा है, ना तो पुलिस उसको प्रॉपर तफ्तीश कर रही है, ना तो उनने प्रॉपर तरीके से गाइड उसको बुलाए नहीं, थाने में बुलाए नहीं, एक बार भी नहीं उन्होंने बुलाया। और एमओ को भी एप्लीकेशन दी थी जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला, फिर भी नहीं कार्रवाई हो पाई।